हे एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो आज मैं बना रही चिकन करी की रेसिपी, तो लेट्स स्टार्ट। तो जी, सबसे पहले मैं ज़ीरा डाल रहा है इसके अंदर, फिर कलौंजी। अब मैं इसके अंदर मिक्सचर डालूँगी, ये टमाटर, लहसुन और सब्ज़ मिर्च और प्याज। ये मिक्सचर बनाया, ये मैंने चिकन मैरिनेटेड जो था लिया था वो भी कट कर लिया। तो अब देखते हैं। तो जी, अब ये मैंने अब इसको मिक्स करना है, अच्छी तरह भूनना है ताकि इसका दाना दाना हो जाए और अच्छी तरह से भून जाए, इसके अंदर कोई और स्मेल ना हो। फिर मैं साथ साथ इसके अंदर नमक, रेड चिली पाउडर और हल्दी डाल दूँगी। बस ये देखिए, नमक, हल्दी और रेड चिली पाउडर डाल दिए। इसके बाद ये पैकेट में जो मसाला बचा हुआ था वो भी डाल दूँगी। तो जी, मेरी ग्रेवी बन रही है। बस फिर इसके अंदर मैं चिकन डालूंगी और 20 मिनट के लिए कवर कर दूंगी, फिर आपको फिनिशिंग लुक भी दिखा दूंगी। अगर आपको मेरा चैनल रेसिपी ट्रैवल्स जो चीज़ अच्छी लगती है मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताते रहिएगा। तो बस, तो मैंने चिकन इसके अंदर डाल दिया। बस अब इसको मिक्स करेंगे, इसकी बुनाई करेंगे, उसके बाद मैं इसको 20 मिनट के लिए कवर कर दूंगी। ये हमारा चिकन करी रेडी हो जाएगा। तो बस, तो 20 मिनट कवर करने के बाद मैंने इसके अंदर दही डाली और दो इलायची डाली। आपकी मर्ज़ी, स्टार्ट में डालें ऑयल में या लास्ट में डालें या पीस के डालें। तो ये इसकी फाइनल लुक आप चेक कर सकते हैं। और मैंने एक चीज़ एडिशन की, जैसे आपको पता है कलौंजी डालती हूँ। तो जी, हमारा चिकन रेडी हो चुका है, बहुत ही टेस्टी। आपको ट्राई करिए और मुझे कमेंट्स में बताइएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक एंड सब्सक्राइब माई